चलो भाई, तो ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड इन 11th क्लास। थर्मोडायनेमिक्स 12th क्लास में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, ये स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का अलग है। पहले सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते थे सीबीएसई में। अभी कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 8-10 साल से तो उन्होंने इसको उठा करके 11th में डाल दिया, 12th, हाँ 11th में डाल दिया। और आयोनिक इक्विलिब्रियम तो हमने भी 11th क्लास में ही पढ़ा था, महाराष्ट्र बोर्ड में भी 11th क्लास में ही आयोनिक बोर्ड था। आयोनिक आयोनिक इक्विलिब्रियम महाराष्ट्र बोर्ड में था 11th क्लास में ही। बट अभी उन्होंने इस लास्ट ईयर से, यानी ये तुम लोग का सेकेंड बैच होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम इज इंक्लूडेड इन 12th क्लास। कोई बात नहीं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लिखा था कि रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शंस आर मूविंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। याद है कुछ यस पढ़ा था कि रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको बोला था, विच कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, है ना। इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अच्छा, मैंने फिर से अनाउंस कर दूं भाई, किसी ने फी तो पे किया है। आई थिंक मॉम नेम इज, मम्मी का उनके नाम मानसी कुलकर्णी। कौन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास। अरे अपने ही बैच ने पे किया है ना, फी तो 12th क्लास का ही है वो, जितना भी हुआ है। ऐश्वर्या कुलकर्णी है ही नहीं, और कुलकर्णी कौन है अपने बैच में। कोई बात नहीं, जो भी हो भाई, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते जाओ आफ्टर। अब ऐसा नहीं हुआ है कि पे करने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। उसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी करके प्लीज इंटीमेट मी। हाँ, तो फिर एक था इरिवर्सिबल रिएक्शन विच इज मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। वो था केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास का पूरा, नाउ इट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयोन्स, इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयोन्स। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस बट फॉर द आयोन्स ओनली, फॉर द आयोन्स। यस और नो, यस सर, तो लिख लो फिर। अच्छा, लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए, पहले देखो। सिंस इट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दैट्स व्हाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अभी जस्ट थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, इट इज जीरो। एट इक्विलिब्रियम इट विल बी जीरो, हाँ या ना। एट यस इक्विलिब्रियम इट विल बी यस जीरो, एट इक्विलिब्रियम इट विल बी जीरो। इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोन्स एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 100% डिसोसिएट होकर के आयोन्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सपोज यू आर टेकिंग वीक एसिड CH3COOH, इट इज सपोज 5% डिसोसिएटेड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH3COO- एंड H+, CH3COO- एंड H+। अगर CH3COO- एंड H+ है,
95% CH3COOH is as it is, only 5% is dissociated into CH3COO minus and H plus. So there is equilibrium between dissociated ions and undissociated ions. There is equilibrium between dissociated and undissociated ions. That's why we are calling it as ionic equilibrium. Yes or no? Yes, sir. Yes. So please write down the points as sir. Recording in progress. By the way, मैंने इतना अच्छा नोट्स बनाया था सॉलिड स्टेट का, वो नोट्स हम लोगों का उड़ गया, डिलीट हो गया. बहुत ही अच्छा नोट्स था क्योंकि मैं नोट्स कभी बनाता ही नहीं था. By the way, यहाँ पे बना, हमने सोचा था कि that I will share with you, but नहीं हुआ. Done. Yes, sir. Done. फिर से वर्ड यूज कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट. वर्ड इज यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में तुमसे बोल रहा है द केमिकल सब्सटेंस विच इज. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या हो जाए, जो ब्रेक हो जाए, है ना, विच कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स आयंस, इज कॉल्ड एज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट. द केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन इनटू आयंस is called as electrolyte. Is called as electrolyte. Please write down. बिल्कुल basic से चल रहे हैं हम लोग. Done. सर मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल का मतलब स्पेशल केस है का ऐसा बोल सकते हैं. इसमें आयंस में है सब, इसीलिए 11th क्लास में चैप्टर का नाम देता था इक्विलिब्रिया, ठीक है ना. तो इक्विलिब्रियम में दोनों आते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयोनिक इक्विलिब्रियम. अब उन्होंने सेपरेट करके यहाँ पे डाल दिया उसको. डन. यस सर. अब बोला इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं. एक जो फुली डिसोसिएट हो जाए उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एक जो फुली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 5% 6% तक हो रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दोज इलेक्ट्रोलाइट्स या केमिकल सब्सटेंस आर ऑलमोस्ट फुली डिसोसिएटेड व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, द केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट फुल्ली डिसोसिएटेड व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू द वाटर या सॉल्यूशन. यस और नो? यस. तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एक ब्रीफ में मैंने लिख दिया दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन बी फुल्ली आयोनाइज. लिखो those electrolytes which can be fully ionized when they are dissolved into the solution. Done.
यस नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या एग्जांपल हो सकता था जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट्स ये सब क्या होंगे सॉल्ट तो तुम कोई भी ले लो इट विल बी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स आर ऑलवेज 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 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डन वेरी गुड salts are always behaving as strong electrolyte salts are always behaving as strong electrolyte ye sab word aage humko bahut kaam aayenge kyon kyunki strong rahega to mujhe pura fully break karunga main now weak electrolyte kya ho jayega those electrolytes which can be partially ionized hai na which is dissociated or ionized into small extent when they are dissolved into kisme aage likho ye statement upar bhi when they are dissolved into solution when they are dissolved into the solution done Yes, sir. इसमें क्या हो जाएगा वीक एसिड वीक बेसिस वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस वीक बेसिस कोई बता सकता है क्या एग्जांपल में बोलो सर वीक बेस हाँ बोलो NH3 हो जाएगा और तो भाई फर्स्ट ग्रुप को ले लो लिथियम को छोड़ करके बाकी सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं सेकंड ग्रुप में जाओ बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दो बाकी सभी स्ट्रॉन्ग हैं यानी 6-7 ही है जो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बाकी सभी क्या है वीक बेस डी ब्लॉक के बेस को ले लो आयरन FeOH का थ्राइस कॉपर का निकल का क्रोमियम का ऑल आर क्या है बोलो वीक बेस सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम रोबिडियम सीजियम कैल्शियम से लेकर के बेरियम तक दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस यानी दे विल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बेस बाकी सभी कैसे होंगे weak base yes or no yes तो ठीक है तो अब लिखो अच्छा weak bases में weak acids में क्या हो जाएंगे all organic acids are weak acid लिख लो all organic acids are weak base weak acids sir isme salt ka exception nahi na hoga salt to strong hi rahega hamesha okay dan ka
नाउ लिखो डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट. एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. डिफरेंट एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट. Done. First लिखो. बार बार हम लोगों ने लिखा था लुईस एसिड एंड लुईस बेस. हम लोग बोलते थे बाद में बताते हैं, बाद में बताते हैं. बेंजीन रिंग के जितने भी रिएक्शन थे उन सब में तो फर्स्ट हेडिंग इज लुईस एसिड. लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट. द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज लुईस एसिड. समझा क्या? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं are called as Lewis acid. Those chemical substances which are accepting lone pair of electrons are called as Lewis acid. Any problem? No sir. नहीं है तो हमने लिखा. For example, तुमको याद हो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में हम लोग बार बार बोलते थे, है ना? इलेक्ट्रोफाइल में भी क्या होता था? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था वही तो वही क्या करते थे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था या फिर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे. यस और नो? यस सर. तो ठीक है, मैंने लिखा दोज केमिकल स्पीसीज. अच्छा, दोज केमिकल स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called as Lewis acid. Then, so those chemical, yes, those chemical substances which can accept lone pair of electrons are called as Lewis acid. Those chemical substances which are, those chemical substances which are, yeah, which can accept lone pair of electrons are called as Lewis acid. Okay, ये सब बोर्ड के लिए बहुत अच्छे 1-1 मार्क्स के डेफिनेशन बने तुम्हारे लिए. समझा क्या? अब देखो एग्जाम्पल के लिए, यही तो तुमने उसमें भी लिखा था ना एग्जाम्पल में, अगर याद हो तो. किसमें? इलेक्ट्रोफाइल में, याद आ रहा है सर? इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर. हाँ, इलेक्ट्रोफाइल में भी तो ये लिखा था तुमने. Yes. BH3, there are 3 electrons in the outermost shell of boron. So after formation of the bond, now it becomes 6 electrons. BeCl2 mein kya ho gaya? There are 2 electrons in the outermost shell. After formation of 2 bond, it becomes 4 electrons. It become 4 electrons. Now
CH3+ कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बनाया, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद, 3 बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो गया, 3 बॉन्ड बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग प्लस चार्ज रहा, वो भी गया, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। सिमिलरली AlCl3, नाउ इंपॉर्टेंट इज FeCl3, इंपॉर्टेंट इज FeCl3, ये हमारे पास JEE मेंस में आया हुआ है, क्योंकि FeCl3 के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, समझा क्या? क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, FeCl3 इंपॉर्टेंट वन, FeCl3 इंपॉर्टेंट वन। नोटेड? यस सर। लुइस बेस क्या होता है सर? तो क्या होगा FeCl3 का? हाँ बोलो सर, वो डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, इसीलिए तो अगर याद हो तुमको, क्या ये देखो बॉक्स में लिख रहा हूं, FeCl3+Cl2, कुछ याद आ रहा है बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करते वक्त? हाँ सर। तो फिर ऐसा होता है ना? हाँ बोलो। AlCl3 का भी ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल वही चीज है ना, क्योंकि वो भी क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यस और नो? यस। यस और नो? यस। मिस शार्क, शार्क समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लुईस बेस क्या करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, देता होगा डोनेट करता होगा, द केमिकल सब्सटेंस विच इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द केमिकल सब्सटेंस विच इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। ठीक, लिखो। डन डन। तो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो करेंगे, लाइक NH3 H2O CH3OH-, सबके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? यस और नो? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। PH3 H2S जहां पे वाटर लिखा है उसी के पैरेलल
फिर इनको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं ना। यस बिल्कुल, यही तो मैं बोलता था उस टाइम पर। सर हाँ बोलो। सर ये लुईस बेस है ना? लुईस बेस है यस। सर पर H2O तो एसिड और बेस दोनों होता है। हाँ तो जरूर नहीं है ना, देर आर सो मेनी कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट हैविंग H प्लस एंड OH माइनस, स्टिल इट इज देयर, स्टिल दे आर बिहेविंग एज अ बेस। तो डेट क्राइटेरिया इज नॉट गुड वन, इट विल ऑलवेज बिहेव एज अ H प्लस या OH माइनस ऐसा करके, समझा क्या? ओके यस। नहीं समझ में आ रहा है? मोटे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एसिड बेस एक्सेप्ट डोनेट ऐसा करते कुछ तो उल्टा सीधा लिख देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इधर ए से एसिड ए से एक्सेप्ट, समझा क्या? एक याद करो, एक याद करके रखो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए से एसिड ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड ए से एक्सेप्ट, A से acid, A से accept. Yes or no? Yes. Hello? Yes, yes, sir. Yes, sir. Chalo. Now the next one is Arrhenius concept of acids and base. Arrhenius concept of acids and base. तो एसिड, इसका डेफिनेशन मुझे बहुत पहले से पता है, एसिड क्या होंगे जो H प्लस देते होंगे, है ना, व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू द वाटर। अरहेनियस एसिड दोज केमिकल कंपाउंड्स केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर क्या डोनेटिंग H प्लस व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू किसमें वाटर, बेस क्या होंगे, बेस क्या होंगे, दे प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हां व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू वाटर। यस और नो? यस सर। वेरी गुड।
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने एक दो ले लिया, ठीक है ना। तुम्हें H3O+ लिखो या वाटर नहीं भी लिखता H+Cl- लिखता तब पर काम चलता, लेकिन वाटर रखेंगे तो H3O+ लिखो। यस और नो, व्हेन HCl इज डिसोसिएटेड, व्हेन HCl इज डिसॉल्वड इनटू द वाटर इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड H-। Yes, it will be dissociated into H+ and OH-. Done? Done. Base के होंगे, base बोलो, which is donating OH-. OH-, simple. So those chemical species which can donate OH-, when they are dissolved into the water, are called as Arrhenius base. Are called as Arrhenius base. Arrhenius acid, those chemical species which are donating H+. Done. Done. Very good. सर रिएक्शन देखकर बता सकते हैं क्या कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? देख करके नहीं बोलेंगे, वो तो साइंस से पता चलता है। ओके सर। मतलब सिर्फ एसिड का ही रिवर्सिबल होगा क्या? हाँ बोलो। सिर्फ एसिड का ब्रेकडाउन ही रिवर्सिबल होगा क्या? एसिड का ब्रेकडाउन हो सकता है बट वाटर में, सभी जगह नहीं। नहीं सर, मतलब सिर्फ वही रिवर्सिबल होगा क्या? हाँ। ओके सर। वही होगा मतलब क्या? अदर एसिड की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब बेस नहीं हो रहा है, मतलब बेस के लिए हमने वो साइन नहीं दिया। बेस के लिए भी होगा ना, इक्विलिब्रियम साइन। अच्छा इक्विलिब्रियम साइन की बात कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ उसको एक में दिखाओगे तब पर भी चलेगा, इधर करेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक है? ओके सर। एसिड बेस दोनों में होंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। Done? Yes, sir. Now important one is Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concepts of acids and base. Bronsted and Lowry concepts of acids and base. क्या बोल रहा है? ये एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? H+, हाँ है ना? भाई H+ प्रोटॉन होता है ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन,
एंड एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? वन प्रोटॉन. प्रोटॉन, इसलिए मैं उसको बोलता हूं क्या, याद है पोलर प्रोटिक ऐसे कुछ तो वर्ड वगैरह यूज किया था हम लोगों ने. तो प्रोटिक का मतलब ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता हो, H प्लस, H प्लस में जाता होगा. हाँ या ना? यस सर. यस सर. सो दोज केमिकल स्पीसीज विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अदर केमिकल सब्सटेंस is called as Bronsted acid या simple acid. तो कहने का मतलब ये है कि तुम एक chemical compound से या एक property से you cannot define कि ये acid होगा या base होगा. समझा क्या? सर मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी एक हो. ओके. सर प्रोटॉन. हाँ बोलो सर. प्रोटॉन कैसे डोनेट करेंगे? प्रोटॉन डोनेट का मतलब H प्लस डोनेट कर रहा है. ओके सर. नहीं समझ आया? H प्लस क्या है? हाइड्रोजन इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन. अच्छा सर, समझ में आया. हाँ तब ठीक है. किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है. तो इसका एक डेफिनेशन भी एक साथ करके, क्योंकि इसका एग्जांपल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ये लोग. धन का यस सर. सो द केमिकल स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन डोनर और एक होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे? बेस के लिए. सर एच प्लस और प्रोटेम ही होते हैं ना? क्या हुआ? एच प्लस और प्रोटॉन सेम ही है ना? मतलब एच में से एक इलेक्ट्रॉन निकल प्रोटॉन ही बनेगा. हाँ H प्लस को ही तो प्रोटॉन बोल रहे हैं. H को प्रोटॉन बोलेंगे तो रॉन्ग है. अब देखो विथ एग्जांपल. चलो सभी लोग लिखना बंद करो. आई सेड लिखना बंद करो. चलो इधर देखो, बाद में लिखना. H2O को देखो. और यहां पे देखो HCl और Cl- के पेयर को देखो. तुम्ही लोग बताओ HCl ने क्या किया? HCl बोलो. डोनेट.
एच प्लस दिया, एच प्लस दिया, अगर एच प्लस दिया तो इट इज एसिड, हाँ या ना? एच प्लस का मतलब है प्रोटॉन, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है डेफिनेशन लिखने में, तो बेस्ट है कि H+ को प्रोटॉन समझ करके डिफाइन करो, बेस में ये मत डिफाइन कर देना, ब्रॉन्स्टेड बेस इज नथिंग बट OH- डोनेट, रॉन्ग, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ H+। H2O ने क्या किया, H+ दिया या लिया? लिया है। तो अब देखो HCl का बेस क्या नाम दिया उसका, कॉन्जुगेट का मतलब उल्टा, उसी का क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस किसका है, HCl का। अब देखो वाटर ने क्या किया, बोलो, प्रोटॉन गेन किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर को बोलो क्या होगा, एसिड या बेस, बेस। नोट करो जल्दी जल्दी, वाटर वाला विल बी बेस, H3O प्लस विल वाला, H3O प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। सर मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन जैसे एक ही रिएक्शन में दोनों मिलेंगे ना, रेडॉक्स रिएक्शन के वो सिमिलर हो गए ना, हाँ वो रेडॉक्स रिएक्शन अलग प्रॉपर्टी है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। यस सर, यहाँ पे मुझे एसिड और बेस देखना है कि कौन H+ यानी प्रोटॉन दे रहा है, और जो प्रोटॉन देगा इज एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इज बेस, यस और नो? हाँ सर। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को तुम कैसे डिफाइन करोगे या तुम कैसे पहचानोगे, H2O को देखो, H2O ने क्या किया, H2O ने क्या किया है, ऊपर वाला ही रिएक्शन को उसी को बस यहाँ पे लिख दिया है, हाँ बोलो भाई, H2O क्या कर रहा है, yes, मैं लिख सकता था H2O is accepting H+ या प्रोटॉन लिखो उसके बाद H+ लिखो, that's why this is बेस, और ये क्या हो जाएगा, एच प्लस दे सकता है कॉन्जुगेट एसिड। एच सी एल ने क्या किया, तो एच सी एल इज डोनेटिंग प्रोटॉन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब हम लोग आते हैं कि इसी का कंपटीशन पार्ट कैसे आया, वाटर ले लो, सॉरी H2SO4 ले लो, ब्रेक करो। अब हम लोग जो ब्रेक करके डायरेक्ट लिखते हैं कि H2O ब्रेक हुआ, H2O डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता है, वन बाय वन होता है, वो अलग बात है, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे चलने देते हैं, आई मीन जैसा लिखा है मतलब हम लोग डायरेक्टली लिखते थे H2SO4 is giving 2H+, ऊपर लिखा भी था कहीं पर आई थिंक, ये देखो डायरेक्टली एक ही बार में लिख जाता था ना, ये देते हैं वन बाई वन है, वन बाई वन हाइड्रोजन है। नाउ
H2SO4 is giving H plus and HSO4 minus. तुम बोलो H2SO4 क्या बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस? एसिड एसिड एंड HSO4 इज बिहेविंग एज व्हाट? बेस. इसलिए वो कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4. यस और नो? Yes, sir. HSO4 minus will accept H plus, will convert it into H2SO4. Now HSO4 minus in second reaction is donating H plus and converting into SO4 2 minus. Now this HSO4 minus is now behaving as what? Acid. Now at the same time, this is behaving as conjugate base. Yes or no? Yes, sir. सर मतलब वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना एक ही सब्सटेंस का भी. बिल्कुल हो सकता है. इसीलिए बाद में लिखो, कोई नोट नहीं करेगा. So this problem was in IIT AIIMS. ऐसा करके एंड सिंपल बोर्ड का भी पार्ट हो सकता था. बोर्ड में हमारे पास एक एक का देता है, हमने दो दो का ले लिया बस. नाउ HSO4 माइनस इज कॉल्ड एज, क्या बोलूंगा इसको? इट इज बिहेविंग एज एसिड इन सेकेंड रिएक्शन, इट इज बिहेविंग एज बेस इन फर्स्ट रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज. बोलो क्या नाम दूं इसको, इस HSO4 को क्या नाम दूं? बोलो कोई तो, बोलो कुछ तो. मतलब केमिकल नेम पूछ रहे क्या? केमिकल ना नेम नहीं पूछ रहा हूं. तुमने पढ़ा होगा जैसे एसिड और बेस की तरह जो बिहेव करते थे उनका क्या नाम बोलता था, उसको क्या बोलता था? इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक. It is called as amphoteric. तो अभी मैं क्या नाम दूं इसको? बोलो एम्फो, क्योंकि ये भी तो वही चीज है ना. समझा क्या? तो it is behaving as acid as well as base. That's why especially since it is accepting एंड डोनेटिंग प्रोटोन, इसलिए एम्फी प्रोटेक. प्लीज नोट डाउन. Done. पर वो एरेनस की जो थ्योरी थी वो बाद में फेल हो गई क्या, ब्रॉन्स्टर के बाद? क्या ऐसा क्यों नहीं? भी फेल नहीं है बाबा, मैं यही कब से बोल रहा हूँ तुमको कि अलग अलग केमिकल सब्सटेंस अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं. तुम ये नहीं बोल सकते कि ये कंपाउंड हमेशा एरेनस से ही एसिड होगा. समझा क्या? लुईस एसिड, लुईस बेस अलग अलग है सर.
चलो एग्जाम्पल में एच थ्री पीओ फोर लो, एच थ्री पीओ फोर लिया. नाउ एच थ्री पीओ फोर इज बिहेविंग एज व्हाट? फर्स्ट रिएक्शन बोलो, फर्स्ट रिएक्शन एसिड, एसिड. व्हाई एसिड? बिकॉज इट इज डोनेटिंग एच एच प्लस. ये उसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस. सेकेंड रिएक्शन को पकड़ो, सेकेंड रिएक्शन को पकड़ो, इट इज गिविंग व्हाट? एच. एक एच प्लस दिया. फिर से थर्ड रिएक्शन को देखो, एच पी ओ फोर टू माइनस, एच पी ओ फोर टू माइनस. मैं फिर से लिख दे रहा हूं ऐसा, फॉरगेट अबाउट द ऐसा. चलो देखो सब लोग, सेकेंड रिएक्शन में सेम एच टू पी ओ फोर वन माइनस इज गिविंग एच प्लस एंड एच पी ओ फोर एक माइनस और आ गया. नाउ एच पी ओ फोर जो उधर बचा है, इट इज डोनेटिंग वन एच प्लस मोर, सो इट विल फॉर्म पीओ थ्री, पीओ फोर थ्री माइनस. अब तुम बताओ सेकेंड रिएक्शन एच टू पीओ फोर माइनस इज एसिड एंड एच पी ओ फोर टू माइनस इज कॉन्जुगेट बेस. एच पी ओ फोर 2 minus is acid. This is conjugate base. अब तुम बोलो कौन कौन से एम्फीप्रोटिक हो सकते थे? कौन कौन से एम्फीप्रोटिक हो सकते थे? H2PO4 1 minus and HPO4 2 minus. तुमसे मैं बोल दूं H, ध्यान से देखो H2PO4 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H2PO4 1 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3PO4. नहीं सुन रहा है, उल्टा हुआ. हाँ, और H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2PO4 माइनस. बस तुम लोग मुझे बताओ, फिर से ध्यान से सुनो वर्ड, H2PO4 1 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H3PO. नहीं रे बाबा, H3PO एसिड है. तुमको बेस बनाना है तो उसमें से एक एच निकाल के बात कर, एसिड बना है तो एक एच प्लस ऐड करके कर. तो सेकंड रिएक्शन को पकड़, H2PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या है? HPO4 2 minus. समझा क्या? Yes. HPO4 2 minus का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H2PO4 minus. H2PO4 1 minus. HPO4 2 minus का कॉन्जुगेट बेस क्या है? तुम्हारे यहाँ जब टेसरी ये तुमको मिलेगा प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ सर. हाँ, जहाँ पका भी, जहाँ भी तुमने ज्वाइन किया है. सर ज्वाइन नहीं किया, वो बस टेस्ट सीरीज लिया. वही टेस्ट सीरीज ही बोल रहा हूँ. हाँ सर. तो एम्फीप्रोटिक में क्या होगा? बिहेव्स एसिड एज वेल एज
बेस टाइप का हो गया, मतलब जो एच प्लस भी डोनेट करेगा और एच प्लस एक्सेप्ट भी करेगा। ये लिखो, ऐसे ही लिख दिया मैंने जो तुमको बता रहा था। यस और नो? यस। एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया जो कि तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे कॉन्जुगेट बेस, उतना क्या होगा? वीक होगा। और जितना वीक बेस लोगे उसका एसिड, उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे के उल्टे। समझ में आया क्या? तो लिखो, लिखो स्ट्रॉन्गर इज द एसिड Stronger is the acid, weaker will be its conjugate base and vice versa. डन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये मुझे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना है, अब न्यूक्लियोफाइल में। समझा क्या? यस सर। ये बोला है नेक्स्ट हेडिंग, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दिस। तो मैंने रिएक्शन करा करके दिया H2O का NH3 यानी बेस के साथ। कलर दिखाई दे रहा है ना? Now water is behaving as what? Acid. First reaction. Second reaction, HCl is acid, water is base. That's why it is behaving as acid as well as base. डन का। नाउ द बोर्ड के लिए, तुम्हारे पास डेरिवेशन के लिए जो आने वाला है वो ये है। प्लीज राइट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। डन। चलो तो क्या हो रहा है? वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शियली या 5% 6% ऐसे करके डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना? तो बोला है वीक एसिड और वीक बेसेस किसी एक का लेकर के चल रहा है,
ऐसे बेस का भी हो सकता है. तो वीक एसिड्स और वीक बेसिस आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू द वाटर एंड अ सॉल्यूशन कंटेन्स ऑब्वियसली डिसोसिएटेड एंड नॉन डिसोसिएटेड पार्टिकल्स बोथ. हाँ है ना, क्योंकि तो डेफिनेशन में था कि इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स. तो मैंने कोई भी वीक एसिड लिया, ये इधर वीक एसिड लिखा, मैंने बोला था ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जिसमें भी कार्बन लगा हो यूं समझ लो कि वीक उसको मान लो, कुछ नहीं याद हो रहा है तो. क्या बोल रहा है, इफ सी नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी डन इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर. नोट करना है? Yes, sir. Please note down fast. Alpha is the degree of dissociation. C naught is the initial concentration. C naught is the initial concentration. Done. तो अब हम लोग लिखते हैं, याद है कैसे ब्रेकिंग करता था, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तुमसे बोल दूं ट्वेंटी परसेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन. अल्फा 20% क्या हो जाएगा, सी नॉट इंटू 20 × 100 बच्चा कितना, 80%. हाँ है ना, 80% का मतलब क्या हो गया, सी नॉट माइनस सी नॉट का 20% लाइक दैट. हाँ या ना, जल्दी बोलो. Done. चलो कैसा लिखा, C नॉट इंटू 1 − α, C नॉट अल्फा एंड C नॉट अल्फा, यस और नो?
पहले कर लिया है हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में, बस यहाँ पे एसिड लिखा है, वहां पे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के लिए लिखता था, है ना। अब देखो Ka is the dissociation constant of acid, concentration of H plus कितना लिखा है, C not alpha, concentration of A minus, तुमको word use करेगा mono basic acid, यानी एक H देगा, di basic acid दो H देगा, so this is C not alpha, concentration of HA is C not into 1 minus alpha, yes or no? Yes or no? Yes, sir. What is equilibrium constant का expression याद है? Concentration of product divided by concentration of reactant coefficient उसके power में चला जाता था. So concentration of H plus into concentration of A minus. Value put किया, बाद में लिख लेना. This is C not alpha divided by C not 1 minus alpha. वो ऐसा आया, प्लीज राइट डाउन फ्रॉम स्टार्ट, प्लीज राइट डाउन। Done, sir. Done. Done, sir. Now put the values. Done, very good. तो हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग करके दिया है, वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, वो ऐसा दिया है, ठीक है ना। वन मोल लेकर के चला, वॉल्यूम से डिवाइड किया, बिकम कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे सी नॉट अल्फा होता था वन इंटू अल्फा हो गया, बस समझा क्या? Yes. तो लिखो, if one mole of acid is dissolved in v liter of water and alpha is degree of dissociation of weak acid, then equilibrium constant Ka can be expressed as ऐसा, तो इनिशियली जीरो जीरो का मतलब क्या हो गया,
इनिशियली हाँ या ना जीरो जीरो का मतलब हो गया इनिशियली सेम जहां पर सी लेकर चले थे सी इज नथिंग बट मोलारिटी इंस्टेड ऑफ मोलारिटी दे आर राइटिंग फॉर वन मोल समझ में आ रहा है क्या ये yes, sir. उन्होंने ऐसा टेबल बना करके दे दिया है डन का डन सर कुछ नहीं है जो वहां पे हमने लिखा था एच प्लस का कंसेंट्रेशन सी नॉट का कंसेंट्रेशन इनका कंसेंट्रेशन बस वही चीज है आई थिंक नोटेड वन उसी को उठा करके टेबुलर फॉर्म में रख दिया है बस उन्होंने क्या किया वन अपॉन वॉल्यूम को वॉल्यूम कट गया तुमको पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर वन माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया एक वॉल्यूम बच गया तो जो वन अपॉन वी है उसको उन्होंने सी लिखा सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज वन देखो ये कौन सा इंटेलिजेंसी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में किया है सर बल्कि और उल्टा कंफ्यूज करने का ही उन्होंने जिम्मा उठा दिया है डन यस सर तो ये हम लोगों का यहां से लिख लो इफ अल्फा इज लेस देन वन ऐसा इज वेरी स्मॉल तो उस केस में क्या होना चाहिए ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं समझा क्या